आपके सामने पाथर्ड देवी डैम। बॉस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज है 15 अगस्त और हम जा रहे हैं कहीं तो भी स्पेशल जगह पे घूमने। किधर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं बताएंगे थोड़ी देर में। जनरली होता है मैं उनके लिए वेट करता हूँ, बट आज वो जल्दी मेरे घर पे आए थे बिकॉज मैं लेट नाइट सो गया था। अभी फिलहाल जा रहे हैं नाश्ता करने, फिर बाद में मिलेंगे आपको थोड़ी देर के बाद। A few moments later. तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है सब, उनका डिस्कशन चालू है कौन से रूट पे जाएंगे, तो फाइनल करना चालू है। तब तक हम आपके लिए साथ बात कर लेते हैं। डिसाइड ये हुआ कि बाहर नीर जाएंगे। बाहर खुद काटे, ये देखो चार रंगों के चार आदमी हमारे पास। हम तो सिर्फ वीडियो में बिजी रहते हैं। बाय द वे ये दर्शन है आउट पाड़े आने हमारे साथ। अरे बाप रे, तो गाइस हम जा रहे हैं आज पाथर देवी। एक प्राचीन देवी का मंदिर भी है वहाँ पे और डैम भी है, तो जाएंगे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहे वीडियो में। सो गाइस तो हम आए हैं पाथर देवी। फिलहाल तो मंदिर बंद है इसलिए हमें बाहर से दर्शन लेना पड़ेगा, बट देखिए माता का आशीर्वाद हमेशा यहाँ पर रहता है तो पड़ेगा। अभी तो कुछ पूरा रिस्ट्रिक्शन है, आज 15 अगस्त है, तो आज से शायद सब खुला होने वाला है ना। आज से खुला होने वाला है, तो वैसे टेक्निकली यानी सिर्फ मंदिर बंद है, अपन देवी को देख सकते हैं बाहर से और अंदर पास नहीं जा सकते, सिर्फ बाहर से देख सकते हैं, उसको बोलते हैं मुख दर्शन। तो मंदिर फिलहाल बंद है तो इसलिए तो अंदर कुछ शूट नहीं करेंगे। तो पाथर देवी है, यहाँ पे पास एक लेक है और थोड़ा जंगल है, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। दर्शन तो हुआ अभी बाहर से, और मंदिर के बाजू में एक है बड़ा, बहुत बड़ा ये वाला डैम, तो उसके जो दीवार पर हम घूम रहे थोड़ा, तीनों सामने है ये और बाजू में ये रहा इतना बड़ा डैम। बहुत हाइट पे है थोड़ा और बहुत ही बड़ा है, और बाजू में ये पूरी ग्रीनरी दिस साइड। यहाँ पे अच्छी फिल्म हो सकती है शूट, और ये तीन बंदे इधर, और जंगल भी है बोलते हैं वहाँ पे जाएंगे, और फ्रेम तो बहुत अच्छी आ रही है। फाइनली हम आ गए इस डैम के ओवरफ्लो के पास, बट यहाँ पे इतनी कुछ बारिश है नहीं तो डैम ओवरफ्लो हुआ नहीं। अगर होता डैम ओवरफ्लो तो बहुत मज़ा आता, लेकिन अभी नहीं है, वैसे ही देखना पड़ेगा। सो गाइस एज यू कैन सी, और 5 से 6 फुट खाली है, और इसको और 5 से 6 दिन कंटिन्यू बारिश चाहिए, उसके बाद ही ये ओवरफ्लो होगा, इससे पानी जाएगा, कितना अच्छा दिखता होगा। और वहाँ से फोटोग्राफी, उस ब्रिज से फोटोग्राफी, चुम्मा बॉस। तो इधर से हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ा उस साइड एक्सप्लोर करेंगे। जस्ट इमेजिन यहाँ पे ये पूरा ओवरफ्लो होगा और वहाँ पे जाके फोटो अपन अगर खींचते तो कितना खतरनाक फोटो आएगा यार, ये पूरा ऐसा ओवरफ्लो पानी का, बहुत सही। तो जो ये ओवरफ्लो के बाजू में ये था उसके पास ये स्ट्रॉन्ग वाला ये बैरिकेड्स जैसा नहीं लगता है, तो यहाँ से बहुत जन इधर नीचे फोटो खींचने के लिए जाते हैं। ये हर एक डैम का ही बात है, तो यहाँ पर मत जाना गाइस, बिकॉज यहाँ से इधर अगर गए तो इधर परेशानी हो सकती है, प्लीज़ अवॉइड टू गो। तो ये डैम का दीवार और ये पूरा आपके सामने पाथर देवी डैम।
तो हमें 10 से 15 किलोमीटर दूर से ये डैम दिखना शुरू हुआ था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा होगा। बिकॉज हम जब आए तो वो रोड ऐसा है, ऐसा जाके ऐसा पूरा घूम के जाना पड़ता है, तो हमें 2 सेकंड हमें कुछ टाइम के लिए लगा कि हम रॉन्ग साइड तो नहीं जा रहे, बिकॉज पहले डैम पास में था, फिर ऐसा टर्न मार के आए तो दूर गायब ही हो गया था डैम। वो बोला वो नहीं था, वैसे पूरा ऐसा घूम के जाना पड़ता था। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट डैम ओवरफ्लो हो गए हैं, और यवतमाल में प्रॉपर यवतमाल में और शायद इधर भी ज़्यादा बारिश हुई नहीं, इसलिए ये ओवरफ्लो हुआ नहीं। फीलिंग सो सैड, बट ठीक है, होगी अभी। सो अभी हम जा रहे हैं नीचे, नीचे कुछ तो भी एक और एक मंदिर है वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे जंगल एक्सप्लोर करेंगे कि नहीं वो अभी मालूम नहीं, लेकिन पहले मंदिर में जाएंगे। सो बाद में देखते हैं जंगल में जाना है या नहीं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के झाड़ है, शायद ये उम्बर है, चिकू भी है अंदर से शायद। तो ये है डैम का ओवरफ्लो, और उसके पास है ये वाले मंदिर एक। सो गाइज, ये बजरंगबली का मंदिर है और ये है शिव जी का मंदिर। आप डिज़ाइन देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, बिकॉज ये हमारे टाउन में भी 4-5 शिव जी के मंदिर हैं, तो ऐसे ही डिज़ाइन के हैं। पहले इधर जाएंगे, उसके बाद उधर जाएंगे। बजरंग बली की दूसरी बजरंग बली की जय। चलो गाइस, इसके बाद जाएंगे हम इस मंदिर के ओर। तो इस मंदिर को देख के मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये वाला मंदिर पुरातन है, लेकिन ये उसको रिबिल्ड किया है, बिकॉज ये जो है ये पूरा ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, और कुछ कुछ है बीच में वो थोड़ा न्यू लग रहा है, यानी अभी नया वाला कंस्ट्रक्शन। तो ये बीच में वाला नया है और ये ऊपर का पूरा पुराना है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी ऊपर से शांति, जो कि पीस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में। सो ऑल राइट गाइज, दोनों भी मंदिर के हमारे दर्शन हो गए हैं। हम थोड़ी जाएंगे अब उस दिशा में, थोड़ा उधर जंगल वगैरह है, थोड़ी प्लेस है वो एक्सप्लोर करेंगे, तो चलो। सो बाय द वे गाइज, आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त को होता क्या है, मैं यूजुअली घर पे नहीं रहता हूँ, पिछली बार था, बट एवरी 15 अगस्त मैंने ऑब्जर्व किया, मैं किधर ना किधर जाता हूँ। जब तक कॉलेज में था तब कॉलेज में स्कूल में जाते थे हम, लेकिन आफ्टर स्कूल आफ्टर कॉलेज मैं घर पे नहीं रहता, मुझे बाहर में जाता हूँ घूमने के लिए। वैसे आज हम आए हैं यहाँ पे पाथर देवी में, बट अभी ये डैम इतना पसंद आया मुझे, तो जब ओवरफ्लो होगा तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे आके व्लॉग करने का, बिकॉज थोड़ा दिखने में ऐसे तो बहुत कुछ डैम है, भीमड़ा डैम है, ऐसे बहुत कुछ डैम है अपने यवतमाल के आजू बाजू में, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल लग रहा है मुझे, बिकॉज उसका जो ओवरफ्लो का है वो थोड़ा हटके है, दैट्स व्हाई। सो गाइज, इधर ऐसा है नहीं कुछ स्पेशल, लेकिन अभी इधर आ ही गए तो आपको दिखा देते हैं। वो लड़के उधर शूट कर रहे हैं और मैं अकेला इधर हूँ। हाँ मालूम है सुबह के 10 बजे है, लेकिन आजू बाजू में कोई नहीं है, तो थोड़ा डरावना सा फील हो रहा है, लेकिन ठीक है, वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसे डरने की बात नहीं है, बिकॉज मैं पूरा अपना डेडिकेशन देता हूँ, तो इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं। बाजू में है इतना बड़ा कुआ, ये कुआ कभी ड्राई नहीं होगा, बिकॉज उधर डैम है तो पानी तो आते ही रहेगा। आई थिंक ये किसी का तो भी खेत है ऐसा लग रहा है, जिस टाइप में मेंटेन किया है।
सो अगर ये कुछ नहीं होता तो इतना अच्छा और इतना क्लीन नहीं दिखता, क्या मालूम जो भी हो। सो इधर से भी ये अशोक का ट्रीज और उस साइड से भी ये अशोक का ट्रीज, एक पूरे एक लाइन में सीधे, कौन से भी बड़े खेत की एंट्री ऐसी रहती है। तो अगर आप यवतमाल से देख रहे होगे तो डू चेक आउट पाथर देवी। दारवा रोड से भी जा सकते आप, नेर रोड से भी आ सकते हैं। नेर रोड से रास्ता थोड़ा अच्छा है तो हम नेर से आए और हार्डली 45 मिनट्स में आप पाथर देवी पहुंच जाएंगे। देवी का दर्शन भी होगा और बाजू में डैम है वो भी विजिट करना होगा, दोनों भी काम होंगे। और इस साइड में वो डैम, ये डैम है तो इस साइड में ये वाले एरिया में थोड़ा घूम लेना, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। आपने वैसे वीडियो में देख लिया होगा लेकिन ओरिजिनल में जो पीस मिलती है ना यहाँ पे आके, बहुत मस्त। तो यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे शोर मत मचाओ बिकॉज़ ये थोड़ी पीसफुल प्लेस है, तो उसको पीसफुल ही रहने दो, आप भी इंजॉय करो। और आपको थोड़ी मस्ती वगैरह करनी है तो डैम के दीवार के उधर आप कर सकते हो। तो अब ये लड़के कहाँ पे गए मालूम नहीं, उनको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। तो गाइज़ मैं अभी यहाँ तक आया हूँ आपके साथ बात करते करते, तो सोचा क्यों ना उस ब्रिज तक जाए, वहाँ से और अच्छा व्यू देखेगा। यार अभी तीन तीन बार एक ही बात बोल रहा हूँ, काश ये पाथर देवी धरन ओवरफ्लो होता तो पूरी मज़ा पूरा पैसा इस ब्रिज के सामने फ़ोटो निकालने में है। तो हम वहीं पे जा रहे हैं, यहीं से तो बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। एज यू कैन सी ऐसा हमें चल रहा होगा और यहाँ से पूरा पानी का ओवरफ्लो, वाओ। बट क्या अनफॉर्चुनेटली डैम ओवरफ्लो नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा, अगर डैम ओवरफ्लो जब डैम ओवरफ्लो होगा तब मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे विजिट देने की, तो फिर तो एक नंबर चुम्मा वो ब्लॉग आएगा बाहर। ये देखो इंडियन देसी जुगाड़, उसकी गाड़ी चालू नहीं हो रही, ये लड़का टो कर रहा है उसको। हम भी ऐसे दो दो चार चार किलोमीटर टो किए हैं, ये लड़के है उधर कुछ उसकी सिनेमाटोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे हैं और मैं अब यहाँ पे ब्लॉग कर रहा हूँ। सावड़ा सावंगी वड़गांव आमशेत, यहाँ पे पानशेत नहीं है, यहाँ पे आमशेत है। यहाँ पे वो ड्राइवर अलग गाय हवा के साथ बात करता हुआ, देखो एटम बॉम्ब। सो गाइस आई ऑब्जर्व वन थिंग, ये डैम का ये ओवरफ्लो है, यहाँ से तो बहुत फ्लो में पानी आता होगा बट लेकिन ये क्या है एग्जैक्टली मुझे समझा नहीं, क्या है ऐसा माहित है, कहीं समझ लगा नहीं। सो अगर आपको मालूम है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ये क्या है। तो कोनालेस नहीं समझदार थी ये। रैंडम टॉल गाइस के साथ हम डिस्कस किए तो हमारा ये फाइनल हुआ कि जब ये डैम ओवरफ्लो होगा हम यहाँ पे विजिट करेंगे ही करेंगे। सीजल असा डाउट है कि तुम्ही चप्पल कसे घालून येता, सो ते दाखवतानी प्रतीक दैवत कशी घालायची अशी गया। सो गाइस समय आ गया निकलने का, डिसाइड ये हुआ कि बीच में रास्ते में और एक स्पॉट है वो एक्सप्लोर करेंगे, तो यहाँ से हम निकल गए हैं तो और एक स्पॉट को जाने वाले अभी, चलो बने रहिए। जो प्लान था एक स्पॉट कवर करने का वो कैंसिल हो गया है, तो अपन जाएंगे डायरेक्ट घर पे। तो घर पे जाके मुझे थोड़ी एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे, तो मिलते हैं अभी घर जाने के बाद, चलो। सो हे गाइस जस्ट केम बैक टू द होम, मस्त फ्रेश वगैरह होने के बाद अभी मैं वीडियो ख़त्म ही करने वाला था तो मेरे फ्रेंड का मुझे मैसेज आया एंड ही स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट विद सिस्टर, नाम है kalanile.in करके, जहाँ पे आपको हैंडमेड हैंडक्राफ्टेड सब हैंडमेड स्टफ देखने को मिलेगी, लाइक राखी हो गई और एक्सेट्रा पूरे हैंडमेड। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और अभी राखी का सीज़न आने वाला है तो अब राखी वगैरह सब हैंडमेड राखी अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। और सो सबसे इंपॉर्टेंट का बात गाइस, दोज हु आर ऑर्डरिंग फ्रॉम माय टाउन यवतमाल यूज़ माय कूपन कोड श्रीजी व्लॉग्स टू गेट फ्री शिपिंग
आपको शिपिंग फ्री में मिलेगी, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऑर्डर करो। इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म। जाने से पहले वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।